इलेक्शन कमीशन और अहले खाना को संगीन नतायज की धमकियां। फवाद चौधरी का दो रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, डॉक्टर्स ने तंदुरुस्त करार दे दिया। पीटीआई कारकुनान के अस्पताल में हंगामा आराई, पुलिस अहलकारों से हाथापाई। मरियम नवाज आज लंदन से पाकिस्तान वापसी की उड़ान भरेंगी, क्या पंजाब की वजारत आला की उम्मीदवार हैं? मरियम नवाज और नवाज शरीफ सवाल सुनकर मुस्कुरा दिए। नई जिम्मेदारियां मिलने से मजीद मुतहरिक हो जाऊंगी, मरियम नवाज पुरअज़्म। वजीर आजम के मुशीर और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अमीर मकाम लंदन पहुंच गए, कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पख्तूनख्वा की मजमुई सूरत हाल और टिकट्स पर मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन के हवाले से नवाज शरीफ अमीर मकाम को अहम हिदायत देंगे। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना की तश्कील पर पीटीआई और अपोजिशन में इख्तलाफात। पीटीआई का 5 वजारतें लेने पर इसरार। अपोजिशन की 3 वजारतों की पेशकश, गवर्नर मुफाहमत के लिए मुतहरिक। निगरान काबीना का ऐलान आज मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में एक हफ्ते से जारी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। वादी नीलम में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड। पीपा करना समेत कई अहम राबता सड़कें बंद।